हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं। आज जो है हम आपके लिए एक नई वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। दैट इज़ द महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम जो शॉर्ट फॉर्म में महाट्रांसको के नाम से भी जानते हैं। ये जो वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी की रिगार्डिंग है, और इसमें जो है हम कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द इसका सिलेबस कैसा होगा, इसमें टेक्निकल पार्ट में कौन से पॉइंट्स रहेंगे, नॉन टेक पार्ट में कौन से पॉइंट रहेंगे, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, उनमें कितने क्वेश्चन आएंगे, उनका वेटेज कैसा रहेगा, एंड देन आफ्टर दैट कि हर एक पार्ट को टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, हाउ टू प्रिपेयर दैट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इसके लिए हमें कैसा प्रिपेयर करना चाहिए, वो सारे पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वैकेंसी के इन्फॉर्मेशन के बारे में। यहाँ पर हमारे पास तीन टाइप की वैकेंसीज है, तीन ब्रांचेज के स्टूडेंट के लिए। फर्स्ट है हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी, जो टोटल हमारे पास 28 वैकेंसीज है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी, एंड देन हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी। इलेक्ट्रिकल के लिए 170 वैकेंसीज है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए हमारे पास 28 वैकेंसीज है। आगे हम बात करने वाले एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जो भी हमारे पास असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है, उसके लिए जो स्टूडेंट है उसका पर्टिकुलर ब्रांच में बीटेक कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अगर हम देखें, तो यहाँ पर इनका बैचलर डिग्री जो है वो कम्प्लीट होना चाहिए। तो आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है सिलेबस का पैटर्न किस तरह से रहेगा। सिलेबस में मोस्टली दो पार्ट रहेंगे, हमारे पास एक टेक्निकल पार्ट रहेगा, एक हमारे पास नॉन टेक्निकल पार्ट रहेगा। अगर हम इसको ब्रॉड वे में डिस्कस करें तो इसको हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज द टेक्निकल पार्ट, ठीक है, दैट इज द टेक्निकल पार्ट। अगर टेक्निकल पार्ट को यहाँ पर हम डिस्कस करें तो इसके जो 50 क्वेश्चन रहेंगे, और इसका मार्क्स का वेटेज कितना रहेगा, 110 मार्क्स का वेटेज रहेगा। मतलब हर एक क्वेश्चन का मार्किंग कितना रहेगा, 2.2 मार्क्स रहेगा, क्लियर। आगे हमारे पास जो है टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे किसके लिए, लॉजिकल या फिर एनालिटिकल रीजनिंग के लिए, और उनका वेटेज कितना रहेगा, 20 मार्क्स का वेटेज रहेगा। मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 0.5 मार्क्स का हमारे पास क्या रहेगा, वेटेज रहेगा। अगला है हमारे पास थर्ड जो है जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन है, उसके लिए हमारे पास 20 क्वेश्चन रहेंगे, और हर एक टोटल मार्क्स कितना रहेगा, 10 मार्क्स रहेगा। मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 0.5 मार्क्स का यहाँ पर वेटेज रहेगा, क्लियर है। और मराठी लैंग्वेज के लिए 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, दैट मीन्स यहाँ पर वेटेज जो है पर क्वेश्चन कितना रहेगा, 1 मार्क्स का वेटेज रहेगा। ये हम मार्क्स एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, मार्क्स एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास जो है हम समझ पाए कि विच पोर्शन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन। यहाँ पर अगर आप देखो कि चार पोर्शन है, टेक्निकल पार्ट में, फिर लॉजिकल रीजनिंग पार्ट में, फिर जनरल एप्टीट्यूड, एंड देन मराठी लैंग्वेज। अगर हम इसको मार्क्स के हिसाब से देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट हो जाता है, दैट इज द टेक्निकल पार्ट, और उसमें हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना है, 2.2 मार्क्स का वेटेज है। मतलब टेक्निकल का वेटेज बहुत अच्छा होने वाला है आपके मार्क्स प्रिपरेशन में। और एक बात आपको और इम्पोर्टेंट बता दूँ कि महाट्रांसको की जो वैकेंसी की पहले कट ऑफ रही है वो अप्रोक्सीमेटली 65 या फिर 60-70-65 इस रेंज में रही है हमारे पास, और इस बार जो कट ऑफ जाने की मैक्सिमम से मैक्सिमम जो चांसेस है वो कितना है, 75, उससे ज़्यादा हमारे पास अगर पेपर बहुत ही, हालांकि पेपर पैटर्न पे भी डिपेंड करेगा, इजी होगा या फिर नॉर्मल होगा या टफ होगा उस पर डिपेंड करेगा, वो भी हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि टेक्निकल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 75 अगर कट ऑफ जा भी रहा है, अगर आपका टेक्निकल साउंड है तो 110 मार्क्स तो यहाँ पर इजीली ऑब्टेन कर ही सकते हो। 110 मार्क्स का है तो 75 मार्क्स तो आप इजीली ऑब्टेन कर ही सकते हो। और उसके बाद तो ये रीजनिंग वाला पार्ट है, एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, एंड अगर महाराष्ट्र के स्टूडेंट है तो मराठी लैंग्वेज, ये तो आपके लिए एक तरह से बोनस हो गया। तो आपको जो है टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करना है, क्लियर है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि टेक्निकल को हम प्रिपेयर कैसे करें, इसके जो सब्जेक्ट कौन कौन से वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपको 10 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन नेटवर्क एनालिसिस, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम। ये जो हम सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। तो हम जो है प्रिपरेशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। टेक्निकल की भी प्रिपरेशन को हम क्या करेंगे, तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। जो हमारे पास पहला कैटेगरी है वो उसमें चार सब्जेक्ट हम इंक्लूड करेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दैट मीन्स उसमें सर्किट का पोर्शन आ जाता है मैक्सिमम,
और मशीन का भी स्टार्टिंग में जो है बेसिक वाला पार्ट आ जाता है। देन हमारे पास सर्किट में नेटवर्क एनालिसिस रहेगा, तीसरा हमारे पास इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम। इन चार सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले करना है, बिकॉज अगर इन चार सब्जेक्ट को आप अच्छे से कर सकते हो तो सेकेंड कैटेगरी में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, बिकॉज वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट नेटवर्क एनालिसिस इन द इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम। क्लियर, ये सेकेंड कैटेगरी के सब्जेक्ट होंगे, इसी सीक्वेंस में ही प्रिपरेशन करना है आपको। देन आपके पास थर्ड कैटेगरी के जो सब्जेक्ट रहते हैं वो EDC, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, इसको थर्ड कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। तो आप हमेशा कोशिश करिए, इफ यू वांट टू रियली गेट द सक्सेस, आपके लिए बस यही रहेगा कि गो थ्रू दिस सीक्वेंस। दिस सीक्वेंस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज क्या होता है अगर आप जो है हमेशा वेटेज टेक्निकल में अगर वेटेज एनालिसिस को फॉलो करें, हाँ ये हमें समझ में आ गया कि टेक्निकल इज मच मोर इम्पोर्टेंट, और आजकल के कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में हमें हर एक पार्ट को ही देखना है, विच पार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट वो तो मैटर ही नहीं करता है, लेकिन हमें यहाँ पे जो है थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा कि टेक्निकल में कौन से सब्जेक्ट को जो है ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो ये हमारे पास स्मार्ट वर्क तभी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मशीन और पावर सिस्टम के पीछे पड़े रहो, सबसे पहले इसको कर लो, हालांकि इनके क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, लेकिन जो है आपके पास टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अभी आपके पास टाइम कितना रहेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ पर आपके लिए ये सबसे स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को अगर आप मिला है ना, तो इसी सीक्वेंस में अगर आप चलोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर ये चार सब्जेक्ट कर लेते हो तो इनके कंसेप्ट जो है सेकंड कैटेगरी में यूज होते हैं और इनके कंसेप्ट जो है आपके थर्ड कैटेगरी में यूज होंगे। यही हमारे पास तरीका है। EDC एनालॉग में अगर VGT FET के न्यूमेरिकल अगर आप देखोगे, उनको अगर आप जो है DC एनालिसिस AC एनालिसिस की बात करोगे तो नेटवर्क एनालिसिस के कंसेप्ट काम आएंगे, और अगर आप डायरेक्ट ही जो है EDC एनालॉग के न्यूमेरिकल करने जा रहे हो तो नेटवर्क एनालिसिस नहीं पढ़ा है तो वो एक डिफिकल्ट टास्क हो सकती है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट। तो टेक्निकल को आप जो है इस सीक्वेंस में तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। अब टेक्निकल को कौन कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है, उसके लिए आप रेफर कर सकते हो आर के राजपूत को रेफर कर सकते हो आपके प्रिपरेशन के लिए। दूसरा आप जो है यहाँ पे IAS प्रीलिम्स के क्वेश्चन वैसे आप करना चाहो तो बढ़िया बात है, बट इतना हाई लेवल का आपका पेपर नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है पेपर एनालिसिस मैंने देखा है, आपके प्रीवियस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को भी मैंने एनालाइज किया है कि यहाँ पर हमारे पास जो है मोस्टली थियोरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे। अब यहाँ पे जो टेक्निकल में क्वेश्चंस बनेंगे वो मोस्टली थियोरेटिकल होते हैं, लेकिन उसको भी हम जो है कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो है डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, देन आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, देन आपके पास यहाँ पर बनेंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, देन आपके पास बनेंगे यहाँ पे एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस, एंड सबसे लास्ट में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। पांच टाइप की आपको यहाँ पे कैटेगरी देखने को मिलेगी, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे आपको देखना है कि आपको जो है अगर अच्छा पेपर बनेगा, आजकल के सिनेरियो में कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो है अब वो जमाना नहीं रहा कि जहाँ पे आप जो है अगर मैं आपको बोल रहा हूँ आर के राजपूत को रेफर करो देन ओके, बट यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि हर एक क्वेश्चन को रटना नहीं है, वी हैव टू गो थ्रू द कंसेप्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेप्चुअल अप्रोच अगर आपका अच्छा हो गया तो यू विल श्योरली गेट सेलेक्टेड इन दिस एग्जाम। कंसेप्चुअल अप्रोच को बहुत अच्छा रखो आप, मोस्टली जो आजकल पेपर बने कंसेप्चुअल अप्रोच के बनेंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के अगर आपको दे दें और पैटर्न कोई चेंज कर क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दें, तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको लैंग्वेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको ध्यान देने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो कंसेप्चुअल हो जाता है ना, बाकी तो हमारे पास थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो अदर अदरवाइज बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है 50 क्वेश्चंस है, तो 50 क्वेश्चंस को हम जो है ऐसा बोल सकते हैं कि 50% क्वेश्चन 25 क्वेश्चन विल बी द कंसेप्चुअल पार्ट फ्रॉम, और डेफिनेशन के हमारे पास 10 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल को आप जो है थोड़ा 5-7 क्वेश्चंस में डिवाइड कर सकते हो इस तरह से आप, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास यहाँ पे टेक्निकल के लिए आर के राजपूत को रेफर कर सकते हो, जेबी गुप्ता को भी रेफर कर सकते हो, लेकिन ब्लाइंडली जो है नो नीड टू रिमेम्बर द क्वेश्चंस, आप जो है कभी भी रटना मत क्वेश्चंस को, बिकॉज गो थ्रू द कंसेप्चुअल एनालिसिस ये आपका सिलेक्शन करवाएगा, ठीक है।
तो ये बात ध्यान रखनी है। कंसेप्चुअल एनालिसिस के लिए आप जो है बुक्स को भी रिफर कर सकते हो, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको जो है ज्यादा ही डेप्थ में आपको और ज्यादा हेल्प चाहिए तो ये जो वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक मिलेगा आपको, उस ऐप को डाउनलोड कर लोगे और वहां से आपको जो है एक कोर्स मिलेगा, दैट इज द यूनिवर्सल AEJEE कोर्स। ये कोर्स इतना अच्छे से डिजाइन किया गया है कि ऑल इंडिया की जो भी AEJEE की वैकेंसी हो उन सारी को ये कवर करता है, और उसमें आपके जो है हाँ मराठी लैंग्वेज का कंटेंट नहीं मिल पाएगा, बट अदर कंटेंट ऑल विल बी द कवर्ड। ठीक है, ये सारा कंटेंट जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। बेस्ट बेस्ट थिंग से सबसे पहले उसमें दो टाइप के आपको हर एक सब्जेक्ट को दो टाइप से कवर किया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ऐसा आपको किसी भी कोर्स में नहीं देखने को मिलेगा। फर्स्ट आपको थियोरेटिकल डिटेल एनालिसिस दिया गया है, एंड देन MCQ कराए गए हैं हर एक टॉपिक के। वो भी आपको जो है जैसे आपके पास जो है मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट का आपके पास पहले थियोरेटिकल एनालिसिस पूरा मिलेगा, देन आपके पास MCQ कराए गए हर एक टॉपिक के। तो आपको किसी बुक के लिए पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, गो थ्रू दीज MCQ सो यू आर एबल टू क्रैक द एग्जाम। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। देन हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल पार्ट की। ये जो रिलेटिवली हमारे पास लेस वेटेज का है, लेकिन हमें इसमें कौन से टॉपिक्स है ये देखना जरूरी है। सिर्फ टॉपिक देख लीजिएगा और इन टॉपिक्स को हमें जो है थोड़ा बहुत एनालाइज करना है। इसको जो है आप हमेशा काम करिए, टेक्निकल को ज्यादा टाइम दीजिए। जैसे मान लीजिए आप कितना भी टाइम दे रहे हो, हाँ ये मैटर नहीं करता कितने आवर स्टडी कर रहे हो, लेकिन अच्छे से स्टडी करो, ये बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए 6 आवर स्टडी कर रहे हो, तो 6 आवर में से 1 घंटा जो है आप 1 आवर जो है रीजनिंग को दे सकते हो, 1 आवर FT को दे सकते हो। क्लियर है? इस तरह से रीजनिंग और FT को पैरेलल में लेके चलिएगा टेक्निकल के साथ, और 3 to 4 आवर गिव टू द टेक्निकल पार्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इस तरह से आप पैरेलल में लेके चलोगे तो आपको कभी नहीं दिक्कत आएगा, अदरवाइज लास्ट में ऐसा रहेगा चलो अब जो है रीजनिंग FT करते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको फॉलो करने की जरूरत है, अगर आपको एग्जाम में प्रेशर फील होता है, एग्जाम में प्रेशर फील होता है उसको रिलीज करना चाहते हो, तो हमेशा कोशिश करो कि अगर आप रफ प्रैक्टिस भी कर रहे हो, MCQ क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसमें टाइमर को फॉलो करो, टाइमर लगा के हमेशा प्रैक्टिस करो। उससे जो एग्जाम में जब कभी हम समझते हैं ना टेंशन हो जाता है, क्या होगा कैसा एग्जाम होगा, आधा दिमाग तो वही खराब हो जाता है हमारे पास। तो टाइमर लगा के प्रैक्टिस करोगे स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा आपका। ठीक है, हमेशा रफ वर्क को जो है टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो। ये टॉपिक्स हमारे पास जो रहेंगे वो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में रहेंगे मोस्टली। ठीक है, उसमें जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं इसमें देखूँ तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बनते हैं, देन ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन बनते हैं, और हमारे पास जो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म और डायरेक्शन टेस्ट। ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर आपको इनको सबसे पहले प्रिपेयर करना चाहिए तो इन सभी को आप प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, देन हम जनरल एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। जनरल एप्टीट्यूड में हमारे पास इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, यहाँ पे जो है गो थ्रू द एवरी पार्ट, क्योंकि यू आर द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और आप इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से हैं, तो आपके पास लिए तो ये बहुत इजी पार्ट हो गया, इसमें तो स्कोर करना बहुत अच्छी है। बस ये है कि रोज डेली 1 आवर इसका प्रैक्टिस होना चाहिए, इसका डेली प्रैक्टिस होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, रीजनिंग FT इज नॉट ए बिग टास्क, ओनली टेक्निकल पार्ट यू हैव टू गो थ्रू द कंसेप्ट, बस ये सीखना आपको। ठीक है, एरिया, एवरेज, मिक्सर एंड एलिगेशन, ये जो है आपके पास मिक्सर एंड एलिगेशन देखोगे, रेशियो प्रोपोर्शन देखोगे, वुड्स एंड आपके पास स्टीम वाला रहेगा, प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, एंड देन आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये जो है इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम डेट्स के बारे में। एग्जाम डेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है आपका 13th मार्च को रिलीज हुआ है, और 13th मार्च को जो शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है ना, तो आफ्टर 4 to 5 weeks ऐसा लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, दैट मीन्स आपके अप्रैल, यहाँ पे आप देख लो अप्रैल एंडिंग पे या मई स्टार्टिंग में आपके इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, एज वेल एज जो है फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल एंडिंग पे आपको फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेबल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो मैंने जितने भी महाट्रांसको के प्रीवियस पेपर को एग्जाम डेट को एनालिसिस किया, उसमें फिक्स जो है 3 मंथ्स का टाइम रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज का टाइमिंग रहता है। 13th मार्च को अगर ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है तो इसमें 90 दिन जोड़ दो, 90 डेज जोड़ दो, आपके पास जो है 3 जुलाई को अगला संडे आ रहा है, और वहाँ पे जो है आपके पास इसका लगभग अराउंड एट द एंड ऑफ जून मंथ या फिर स्टार्टिंग ऑफ जुलाई मंथ इसमें आपका एग्जाम होगा। तो
तो 90 डेज को इस तरह से डिवाइड कीजिए, स्मार्ट वर्क करिए, आप टाइम टेबल बनाइए, आपको जो है अभी सिलेबस के टॉपिक्स बता दिए गए और उसको जो है आप किस तरह से करोगे, ये एक इम्पोर्टेंट टास्क है, ठीक है। तो अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप जो है हमारी एप्लीकेशन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, और उस एप्लीकेशन को आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं देख सकते तो प्ले स्टोर में जाइए, सिंपली सर्च करिए इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट, एंड इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो वहाँ पे जो एप्लीकेशन मिलेगी, वहाँ पे जो है आपको जो है कोर्स भी मिल जाएगा, एज वेल एज ऑल इंडिया एजेई के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए। टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।